श्री कृष्ण की आजादी के लिए पूज्य महाराज देवकीनंदन ठाकुर के सानिध्य में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छापी हेड़ा में भव्य सनातन यात्रा निकाली गई। शांति के पथ पर चलते हुए पूज्य देवकीनंदन ठाकुर महाराज लगातार भगवान श्री कृष्ण की रिहाई के लिए सनातन यात्राएं निकाल रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्तों ने सनातन यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज की और ये ऐलान कर दिया कि जल्द ही केशव देव की मूर्तियां मस्जिद से निकालकर कृष्ण जन्मभूमि पर स्थापित करेंगे। टीचर है, कन्यादान लेके आए हो और जीवन भर उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, काहे के मर्द बनते हो? पाठ नहीं पढ़ाते, बल्कि आजकल के माँ बाप सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन जाए ऐसा बेटा ऐसी बेटी बनाना चाहते। अरे हमारे सनातन में तो कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए यात्रा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कितनी बड़ी संख्या में सनातनी पहुंचे हुए हैं। सनातन यात्रा में लाखों लोग पैदल चले, हाथों में भगवा ध्वज, केशव की रिहाई को प्रयासरत हैं, केशव की रिहाई में प्रयासरत हैं देवकीनंदन। छापीहेड़ा में भव्य सनातन यात्रा, राजगढ़ के छापीहेड़ा में ये कार्यक्रम हुआ था। सनातन यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे, पैदल चले थे और हाथों में था भगवा ध्वज। कानपुर आईआईटी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां मंच पर बोलते बोलते अचानक सीनियर प्रोफेसर गिर पड़े, बाद में उनकी मौत हो गई। कानपुर आईआईटी से बेहद दुखद खबर सामने आई। यहां सीनियर आईआईटी प्रोफेसर समीर खांडेकर स्टेज पर स्पीच दे रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों को झटका लगा। मंच पर बोलते बोलते समीर खांडेकर के दिल में दर्द उठा, जिसके बाद वो फर्श पर गिर पड़े। वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। खांडेकर फर्श पर बेसुध पड़े थे। प्रोफेसर खांडेकर शुक्रवार को आईआईटी के ऑडिटोरियम में एल्यूमिनी मीट के कार्यक्रम में बोल रहे थे। कहा जा रहा है कि प्रोफेसर खांडेकर पसीना पसीना हो गए थे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। वो दुनिया छोड़ चुके थे, उन्हें दिल का दौरा आया था। वो स्टेज पर हेल्थ पर ही बात कर रहे थे, वहां पर मौजूद छात्रों से अपनी सेहत का ख्याल रखने पर जोर दे रहे थे। प्रोफेसर समीर खांडेकर 55 साल के थे। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और एक बेटा है। खांडेकर की अचानक मौत से घर वालों को गहरा सदमा लगा है। प्रोफेसर समीर खांडेकर का जन्म जबलपुर में हुआ था। वो बेहद ही मेधावी छात्र थे और उन्होंने आईआईटी कानपुर से ही बीटेक किया, बाद में पीएचडी के लिए जर्मनी भी गए। जिस संस्थान से उन्होंने शिक्षा ली उसी आईआईटी कानपुर में साल 2004 में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया। वो एसोसिएट प्रोफेसर बने। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बाद में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और फिर स्टूडेंट वेलफेयर डीन बने। उनके नाम पर 8 पेटेंट्स भी हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2019 में प्रोफेसर खांडेकर को कोलेस्ट्रॉल संबंधी बीमारी हुई थी, जिसके बाद से उनकी लगातार दवाई चल रही थी। फिलहाल प्रोफेसर की मौत से पूरे आईआईटी कानपुर में गमगीन माहौल है। कानपुर से न्यूज 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।